अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे डाली हैं, उन सभी वीडियोस में सबसे ज़्यादा कमेंट्स और सबसे ज़्यादा डिमांड एक ही वीडियो के लिए आती रही है, या ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा डिमांड एक ही प्लेयर के लिए आती रही है, नाम है केएल राहुल। क्योंकि अक्सर मैं जैसी वीडियो डालता हूँ, कुछ ना कुछ कमेंट ऐसे होते ही हैं जो ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई केएल राहुल पे क्यों नहीं डाल रहे, या केएल राहुल पे वीडियो कब डालोगे। लेकिन आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको केएल राहुल के जीवन की कहानी या फुल बायोग्राफी नहीं बताने वाला हूं। वो अगर आपको जाननी हो तो विकिपीडिया पे जाके पढ़ लीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। मैं आपको बताने वाला हूं केएल राहुल के जीवन का एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में आपको बताया ही नहीं गया, या कहूं कि शायद बताया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये कहानी घटी ही तब थी जब शायद केएल राहुल नाम को कोई जानता तक नहीं था। तो साल था 2013, जब पहली बार केएल राहुल नाम का कोई प्लेयर भी है मार्केट में, ये बात लोगों के कानों तक हल्की फुल्की पहुंची थी। क्योंकि उसी साल आरसीबी ने पहली बार उन्हें आईपीएल में अपनी टीम में शामिल किया था। केएल राहुल का सिलेक्शन जैसी हुआ, उन्होंने ये बयान दे दिया कि फाइनली उन्हें जिस मौके का इंतजार था, जिससे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कदम बढ़ा सकें, वो मौका उन्हें मिल गया है, एंड यहां से वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस आईपीएल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दूं कि लोग इग्नोर ही ना कर पाएं। आज हम जहां केएल राहुल को कहीं ना कहीं एक बहुत ही शांत स्वभाव के प्लेयर के रूप में देखते हैं, जो बहुत कम ही अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शंस या शब्दों से एक्सप्रेस करते हैं, पर वो 2013 के केएल राहुल इसके एकदम उलट थे। यही वजह से उन्होंने उस आईपीएल की शुरुआत से पहले ही इतना बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया कि उनकी परफॉर्मेंस इस आईपीएल कुछ ऐसी रहेगी कि लोग इग्नोर ही ना कर पाए। पर अफसोस, होता बिल्कुल इसके उलट है। केएल राहुल के दावे चारों खाने चित्त गिरते हैं, क्योंकि उस आईपीएल में 5 मैचेस में 10 की एवरेज से वो 20 ही रन बना पाते हैं। और अब बारी आती है 2014 की। आरसीबी केएल राहुल को रिलीज करती है और हैदराबाद केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इस बार केएल राहुल को एसआरएच के लिए 11 मैचेस खेलने का मौका मिलता है, जिसमें वो 21 की औसत से 166 रन ही जड़ पाते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट भी 101 की ही होती है। हाँ, मैं जानता हूं कि ये सुनके ताजुब हो रहा होगा कि जो केएल राहुल आज खड़े खड़े बॉलरों के छक्के छुड़ा देते हैं, उनकी कोई आईपीएल 101 की स्ट्राइक रेट भी रही होगी। पर यही सच है, ये आईपीएल भी केएल राहुल की वैसी नहीं गई जैसी वो चाहते थे। लेकिन हैदराबाद में आते ही इस बहुत ही साधारण परफॉर्मेंस के बावजूद एक प्लेयर था जिसका दिल केएल राहुल ने जीत लिया था, और वो थे डेल स्टेन। क्यों, मैं बताता हूं। असल में मैच से पहले जो भी नेट प्रैक्टिस होती है, उसमें हर बैट्समैन से ये पूछा जाता है कि आप किस बॉलर पे नेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि बैट्समैन सबसे बेहतर जानता है कि उसे असल में मैच में किस तरीके के बॉलर्स में दिक्कतें आती हैं। तो केएल राहुल हमेशा नेट्स पे जिस बॉलर के साथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना प्रिफर करते थे, वो थे डेल स्टेन, क्योंकि दोनों ही एसआरएच का हिस्सा थे। और सेम टाइम पे वक्त के साथ डेल स्टेन केएल राहुल से इतना इम्प्रेस हो गए कि डेल स्टेन ने भी सबसे ज्यादा केएल राहुल के साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका भी मानना यही था कि अगर मैं केएल राहुल को नेट्स पे अच्छे से बॉल डाल गया, तो फिर बाकी बैट्समैनों को डालना तो अपने आप आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा उस युवा के लिए गर्व की बात क्या हो सकती थी कि इतिहास का सबसे घातक गेंदबाज उसे बॉल डालना सबसे ज्यादा मुश्किल समझता था। लेकिन इसके बाद जब आई 2015 की आईपीएल, जहां फिर से डेल स्टेन और केएल राहुल एक ही टीम का हिस्सा थे, पर फिर से केएल राहुल का ये सीजन बहुत साधारण रहा, और इस बार भी वो 9 मैचेस में 112 की स्ट्राइक रेट से 142 ही रन बना पाए। उनके इतने कम रन बनाने का एक कारण उनका बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आना भी था, पर दुनिया ये सब नहीं देखती है, और अगर रन नहीं पड़ते तो वो अपना जजमेंट पास कर देती है, फिर चाहे जो हुआ हो, जैसा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भले ही फिर से ये सीजन केएल राहुल के लिए भुलाने वाला जा रहा था, लेकिन डेल स्टेन के साथ उनकी प्रैक्टिस जारी थी और उस आईपीएल सीजन में हैदराबाद के लास्ट मैच से ठीक पहले हुई लास्ट नेट प्रैक्टिस में कुछ ऐसा हुआ कि स्टेन ने उस आईपीएल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया जिसे सुन पूरा भारत चौंक गया। और ऐसा क्या हुआ वो देखने से पहले मैं बता दूं, आज भिड़ने वाली है आईपीएल हिस्ट्री की दो सबसे बड़ी टीम सीएसके और मुंबई इंडियंस। तो हमने तो अपनी गेम्सी टीम बनाते हुए कैप्टन की चॉइस के लिए कॉनवे और ईशान किशन को, तो वहीं वाइस कैप्टन के लिए मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल कर लिया है। बाकी आपने अभी तक अपनी आज की टीम नहीं बनाई है तो ये मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि लगभग 90% ऑफ का ऑफर चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मतलब आप सिर्फ ₹10 इन्वेस्ट करके ₹100 की लीग में एंट्री कर लाखों रुपए तक अर्न कर पाएंगे, और ₹100 की लीग के हिसाब से तो कॉम्पिटिशन और भी कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कई बेहतरीन ऑफर्स और गिव अवेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। परसों फिर हमने एक बहुत ही बड़ा गिव अवे ऑफर वहां डाला था, अगर आप वहां नहीं थे तो आपने मिस कर दिया होगा। तो अभी जाएं नीचे दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो सिंपल टेलीग्राम पे ही जाके क्रिकेट टाइम विद जोशी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। पर हां, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो जैसा मैंने कहा था कि उस आईपीएल सीजन में हैदराबाद के लास्ट मैच से ठीक पहले हुई लास्ट नेट प्रैक्टिस में कुछ ऐसा हुआ कि स्टेन ने उस आईपीएल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया। असल में उस लास्ट नेट प्रैक्टिस में जब फिर से डेल स्टेन और केएल राहुल साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस दौरान डेल स्टेन ने बताया था कि केएल राहुल ने उन्हें 5 इतने लंबे छक्के जड़े थे जो बॉल इतनी दूर गई कि वो फिर मिली ही नहीं, और दो बॉल जो मिली उनका शेप ऐसा हो गया था कि उससे आगे बॉलिंग कराई तक नहीं जा सकती थी। और उस दिन डेल स्टेन ने एक स्टेटमेंट पास करा कि मैं नहीं जानता कि केएल राहुल का ये आईपीएल सीजन अच्छा गया है या बुरा गया है, उनके बैट से रन आए हैं या नहीं आए हैं, पर आज मेरी बात लिख के रख लीजिए कि केएल राहुल नाम का प्लेयर आपको जल्द इंडियन टीम में धोनी की कप्तानी के अंडर ही खेलते हुए देखने को जरूर मिलेगा। स्टेन का ये स्टेटमेंट आग की तरह मार्केट में फैल गया, क्योंकि कई ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स थे जो बकायदा उस सीजन में लगातार रन मार रहे थे, लेकिन डेल स्टेन जैसे बॉलर ने उस प्लेयर को भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर घोषित कर दिया जिसने अभी तक आईपीएल के तीनों सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि लोग ऐसा कह सकें। पर शायद अनुभव इसी को कहते होंगे, और स्टेन की अनुभवी आंखें केएल राहुल के अंदर वो देख चुकी थी जो बड़े से बड़ा क्रिकेट का दिग्गज उस वक्त नहीं देख पाया था। और ये बात कुछ इस हद तक सच हुई कि जहां अगले ही साल 2016 सीजन में केएल राहुल आरसीबी में क्या गए, तो गेल, वॉटसन, डिविलियर्स और कोहली जैसे प्लेयरों के होने के बावजूद अपनी अलग छाप छोड़ गए। ऐसा लगा मानो स्टेन का एक एक शब्द सबकी आंखों के सामने जीवित हो रहा था। और उससे भी कमाल ये हुआ कि उस आईपीएल के बाद केएल राहुल भारतीय टीम के लिमिटेड ओवर फॉर्मेट का भी परमानेंट चेहरा बन गए, वो भी एमएस धोनी के कप्तान रहते रहते, ठीक जैसा स्टेन ने कहा था। अब 2020 के आईपीएल सीजन में एक ऐसा वक्त आया जिसे देख के लोगों को स्टेन की वो बात एक बार फिर से सबसे ज्यादा याद आई, जब पंजाब और आरसीबी के बीच चल रहे एक मैच में स्टेन 19वां ओवर डालने आए और बैटिंग पे वही केएल राहुल आज फिर उनके सामने थे जिसे कभी वो नेट्स पे बॉलिंग कराते थे। तो उस ओवर में केएल राहुल ने स्टेन को पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, चौथी पे छक्का, पांचवी पे छक्का और छठी पे चौका जड़ 26 रन मार दिए। पर एक अनोखी चीज देखने को मिली उस ओवर में कि हर बाउंड्री के बाद देखा गया तो स्टेन मुस्कुरा रहे थे, मानो आज इतने साल बाद केएल राहुल के इस एपिक फॉर्म को देख, उनकी काबिलियत को देख और उनके हर शॉट को देख उन्हें अपनी बात याद आ रही थी जो उन्होंने 6 साल पहले कही थी। और उन्हीं की बॉल पे केएल राहुल का मारा गया हर शॉट ऐसा लग रहा था कि स्टेन को दुख कम पर प्राउड
ज्यादा हो रहा था। पिछले साल भी जब ट्विटर पे एक इंडियन फैन ने उनसे ये सवाल करा था कि आपको क्या लगता है वो कौन सा बैट्समैन है जो आपके लिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उन्होंने एक ही नाम लिया था और वो था केएल राहुल। इससे पता चलता है कि डेल स्टेन 2014 से ही केएल राहुल के कितने बड़े फैन बन गए थे, जब केएल राहुल के खुद के देश के लोग सही से जानते तक नहीं थे कि केएल राहुल कौन है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। क्या आपको ये स्टोरी पता थी? जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर आज के मैच की टीम बनाना ना भूलें, और सबसे जरूरी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे जोशी तो बोलेगा पे फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहां पे फॉलो कर मुझे सवाल सेंड कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे रिप्लाई करेंगे। बाकी इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करें। जल्दी हम 200 के पूरा करने वाले हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले एक महीने के अंदर पूरा कर लें। तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।